देखते हैं कहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं यार, रुक के सबसे पहले तो। तो जी धूप फुल ऑन पड़ रही है और तो रीटेक बस रीटेक करते रहो। हे गाइस, नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मन तो कर रहा था कि यहीं पे रुक जाएं, लेकिन अभी तो बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिर क्या था, जयपुर को किया अलविदा एंड निकल पड़े हम नाथद्वारा के लिए। आज की जर्नी काफी लंबी होने वाली थी, लेकिन सिंस वी हैड अ गुड नाइट स्लीप वी वर ऑल सेट टू गो एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ राजस्थान। And navigating through city streets was made easier by our favorite Google Maps. Continue on National Highway 21 for 4 kilometers. In 600 meters, turn right onto National Highway 48. निकले को और नाथद्वारा का डिस्टेंस जयपुर से 360 किलोमीटर है और 6 आवर्स लगने चाहिए हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो अभी देखते हैं, आगे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जर्नी कंटिन्यू करेंगे नाथद्वारा के लिए। तो हमें एक इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया था और उन्होंने पूछा था कि आप ट्रैवल के टाइम पे कैसे अपने आप को हेल्दी रखते हो और कैसा कुछ खाने का मैनेज करते हो। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं अपने साथ एक ट्रैवल कुकर है वो कैरी करती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही छोटा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके अंदर कॉफ़ी और अगर आपको कुछ बॉयल करना है वो बहुत ही हैंडी रहता है। और क्योंकि हमें मॉर्निंग में कॉफ़ी चाहिए होती है और कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम आ जाती हैं। एंड इसके बाद मैं अपने साथ फ्रूट्स एंड कुछ स्नैक और बिस्किट्स हो गए वो हमेशा कैरी करती हूँ। अगर कहीं पर आपको खाने का स्पॉट नहीं मिलता तो कम से कम हमारे पास कुछ बैकअप में होता है। तो इस तरीके से हम अपने को हेल्दी रखते हैं और खाने का सामान अपने साथ कैरी करते हैं और उसके ऊपर वीडियो हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिलहाल करते हैं अपना आगे का सफर कंटिन्यू। रास्ते में हम प्लानिंग कर रहे थे कि अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है एंड वी वर आल्सो रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स ऑफ द गुड टाइम्स वी स्पेंड ऑन दिस ऑल इंडिया रोड ट्रिप। ट्रस्ट मी, इफ यू डू हैव सम ट्रैवल प्लान्स इन माइंड, इट्स अ गुड टाइम टू स्टॉप राइट नाउ एंड पैक योर बैग्स एंड लीव फॉर योर ड्रीम डेस्टिनेशन। तो जी अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे रास्ते में और एक बढ़िया जगह मिली है, तो अभी भैया को ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। तो मैंने कहा थोड़ी आपसे बातें कर लूं। अगर आप जयपुर से उदयपुर की तरफ जाते हो तो रास्ते में अजमेर और पुष्कर भी आता है, आप अजमेर और पुष्कर भी कवर कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ भी थोड़ा सा ऑफ पड़ जाता है, लेकिन आप वो भी कवर कर सकते हो। ये तीन जगह हमने मिस कर दी क्योंकि अजमेर और पुष्कर ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है पहले, हम यहाँ पर आए थे। बहुत ही बढ़िया ट्रिप था, वन नाइट अजमेर एंड वन नाइट पुष्कर शुड बी इनफ फॉर यू एंड उसके बाद आप उदयपुर की तरफ निकल सकते हैं। और जयपुर से उदयपुर का जो रास्ता है वो बहुत ही बढ़िया है, सारा एक्सप्रेसवे ही है और रोड्स बहुत ही साफ़ हैं, बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं। सो आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी नाथद्वारा की तरफ और आपसे ढेर सारी बातें करते हैं रास्ते में और वहाँ पर जाके साइट सीइंग भी करनी है। तो चलो चलते हैं। एंड
एक्चुअली जब हम हिमाचल से आए थे तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना क्यूरियोसिटी पे थोड़ी ब्रांडिंग करवा ली जाए. दो इट टुक बिट ऑफ प्लानिंग एंड वन फुल डे ऑफ हार्ड वर्क, बट इट डिड हेल्प अस गेट नोटिस्ड व्हाइल वी वर ऑन दिस जर्नी. एंड लॉट ऑफ पीपल डिड मेक सम वीडियोस एंड सेंड अस पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम टू, व्हिच मेड अस फील रियली स्पेशल. मैडम पूरी टिच होके जा रहे हैं, पूरी. बस कर, शीशा टूट जाना तेरा. बाल ना ठीक करो. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको पता चलता रहे कि डिस्टेंस कितना रह गया है, रोड्स की कंडीशन कैसी है, और रास्ते में जो भी खाने पीने की ऑप्शंस हैं और जो आप देख सकते हो रास्ते में भी, वो भी आपको बताएं. तो साइड में छोटे छोटे मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं जीपीएस के, वो बीच बीच में हम उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले रहे थे, कुछ वीडियोस भी ले रहे थे. तो आप हमारे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो कैसा लगा. अगर ठीक लगा तो आगे की जितनी भी जर्नी है उसमें हम ये कंटिन्यू रखेंगे और आगे चलते हैं नथवाड़ा की तरफ और आपको दिखाते हैं नथवाड़ा में क्या क्या है देखने के लिए. तो अभी दो मिनट गाड़ी मैंने रोकी थी, पायल कह रही थी कि डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है अभी. तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं. तो अभी लैपटॉप निकाल के दिया है मैडम को, मैडम करेंगे एडिटिंग और हम करेंगे ड्राइव. ये जो हमारे आगे जीप जा रही है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 बंदे बैठे हुए थे और जो ड्राइवर था वो इतना हॉन्क कर रहा था ना, पी 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 चली हुई थी इसकी इतनी देर से. खाली रोड है, कोई गाड़ी नहीं है, फिर भी पी 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 मारी जा रहा था. तो मैंने तो नमस्ते करती थी, जाओ जी जाओ, आप ही चले जाओ पहले. तो जी हमारा थर्ड टोल आ गया है यहाँ पे. हमने दो टोल्स ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं और अब थर्ड टोल आया है. देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है, बिकॉज जो पिछले दो टोल्स थे उस पर बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स खड़े रहे. पहले मैंने एक लेन में लगाया, वहाँ पे एक गाड़ी रुकी हुई थी, वो भाई साहब हिले नहीं रहे थे. फिर मैंने दूसरी लेन में लगाया, वहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी होगी आके, वो भी नहीं हिली. उसके बाद हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होगी. आई थिंक गाड़ी वालों का प्रॉब्लम नहीं था, वो जो फास्टैग था ना वो ही नहीं चल रहा था. तो फाइनली अब निकलते हैं आगे. कल हमने कवर किया था अमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, वहाँ से जयपुर का व्यू तो बहुत ही मेस्मराइजिंग था. आई होप आपको भी वो ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं चेक किया है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉमेंट्स एंड ऑल द मैसेजेस जो आप लोगों ने हमें भेजे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे. बहुत अच्छा लगता है जब आप मैसेजेस करते हो और हमें सजेशंस देते हो. आपके आइडियाज़ वेलकम हैं. जब भी आपको लगे कि हम अपनी वीडियोस इंप्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज अस. वी ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द मैसेजेस. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. तो अभी ज्वाजा करके एक जगह आई है, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं और 150 किलोमीटर्स स्ट्रेट इसी हाईवे पे चलना है हमारे को. कहीं भी लेफ्ट और राइट नहीं लेना. तो बस आराम से चल रहे हैं और सीधा पहुँचते हैं नथवाड़ा. हाईवे से आई थिंक 3 किलोमीटर्स ही रह जाएगा फिर हमारा होटल जहाँ पे हमने बुक किया हुआ है. तो चलो चलते हैं. वैसे तो अगर हम चाहते तो सीधा उदयपुर भी जा सकते थे, लेकिन आफ्टर अ बिट ऑफ रिसर्च वी फाउंड आउट दैट देयर इज अ वेरी फेमस श्रीनाथ जी टेम्पल एंड ऑल्सो द स्टैच्यू ऑफ बिलीव विच इज बीइंग बिल्ट हियर. सो देन हाउ कुड वी मिस नाथद्वारा. और ये है जी नाथद्वारा की मार्केट एंड वी हैव टू टेक अ राइट टर्न फ्रॉम द मेन हाईवे टुवर्ड्स द टेम्पल एंड द स्टैच्यू ऑफ बिलीव. वैसे तो हमने नथवाड़ा में आज रुकना था, लेकिन जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. इनफैक्ट यू कांट इवन कैरी योर मोबाइल फोन्स एंड आपकी बेल्ट भी रख लेते हैं वो. तो वहाँ पे तो शूट अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे हम शूट नहीं कर सके. लेकिन स्टैचू ऑफ बिलीफ जो कि यहाँ पे शिव जी की बहुत ही बड़ी स्टैचू है, इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इज वेल नाउ बिकॉज इट्स अबव 300 feet. इससे पहले जो स्टैचू थी वो नेपाल में थी, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 144 feet थी. And this is above 300 feet. So
आई वॉज वेरी एक्साइटेड. थोड़े शॉर्ट्स हमने रास्ते से लिए और अब स्टैचू ऑफ बिलीव के मेन गेट पे जाने लगे हैं. अभी मैंने पुलिस वाले अंकल से पूछा है कि हम वहाँ जा सकते हैं, तो वो कह रहे थे जा सकते हो. अभी ऑफिशियल ओपनिंग तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके कुछ शॉट्स ले सकते हो. अभी पायल पीछे गई है श्रीनाथ जी मंदिर की जो पार्किंग है वहाँ से कुछ शॉट्स लेने के लिए. वैसे स्टैचू तो आपको 20 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, बट क्योंकि जो सन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सामने से पड़ती है, तो आपको वहां से शॉट्स ले नहीं पाए हम. तो अभी वहां चलते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं यहाँ पे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर यहाँ से उदयपुर के लिए आज ही निकल जाएंगे. वैसे तो कल जाना था, लेकिन आज ही हम उदयपुर के लिए निकलने वाले हैं. अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अभी तो कुछ भी नहीं खुला हुआ, अंदर जाना अलाउड नहीं है. लेकिन भैया ने बताया कि आगे से लेफ्ट लेके एक कच्ची सड़क है, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से कुछ शॉट्स आ जाएंगे. देखते हैं, जो भी शॉट्स मिलते हैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं उदयपुर की तरफ. बट ये रोड पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एज यहाँ पर आगे जाकर कुछ नहीं था. तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि अब टाइम है नाथद्वारा से जाने का. नथवाड़ा से उदयपुर आते हैं हम, तो रास्ते में जो व्यू है वो बहुत बढ़िया है. दोनों साइड अरावली हिल्स हैं आई थिंक ये, एंड इनका व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही मेसमराइजिंग है. एंड धूप फुल लॉन हमारे मुंह पे है, मतलब जिस साइड जाना है धूप बिल्कुल वहीं से आ रही है. तो क्या कर सकते हैं भैया, सुबह तो ठीक था सब कुछ, अब धूप फुल ऑन है आज. एंड हाफ एन आवर रह गया, तो हाफ एन आवर में पहुँचे क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी. आप कभी गलत हो सकते हो जी? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा सही है. दुनिया गलत हो जाएगी, अंकित और शेष नहीं गलत होंगे. अरे भैया, गूगल माता को फॉलो कर रहे हैं, सही होएगी गूगल माता. गूगल माता थोड़ी गलत कर सकती है कभी. वो लगवाता है आज मैडम ने पता नहीं कहीं और ही पहुंचा देता हमारे को. नाथद्वारा से उदयपुर के लिए हमें लगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स, क्योंकि रास्ते में काफी ट्रैफिक था. एंड फिर जो हमने 2-3 होटल सिलेक्ट किए हुए थे वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. एंड देन फाइनली रात को 7 बजे जाकर होटल ग्रैंड सीता उदयपुर में चेक इन किया. इट्स 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द उदयपुर सिटी पैलेस, जो आपको हम दिखाने वाले हैं अगले व्लॉग में. एंड आफ्टर क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रैवल इट वॉज टाइम टू रेस्ट एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर. तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में. अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग.